नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आप देख रहे हैं GHTV। एक और वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं। माता रानी की कृपा रही तो ये वशीकरण का टोटका जो मैं अभी आपको बताऊंगा, इस वशीकरण के टोटके से आप किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हम पूरी जानकारी देते हुए इस वीडियो को समाप्त करेंगे और आपका रूठा हुआ प्यार, खोया हुआ प्यार, खोया हुआ व्यक्ति, कहीं गुम हो गया हो व्यक्ति आपको मिल जाएगा। बस उसके बाल आपके पास हों, या अगर उसके बाल आपके पास नहीं हैं तो आप अपने बालों द्वारा भी इस वशीकरण के कार्य को कर लेंगे। हम आपको इस वीडियो में एक वशीकरण का मंत्र भी बताएंगे जो आप बालों के ऊपर प्रयोग में लाएंगे जन्म भर के लिए। जन्म भर के लिए कोई भी व्यक्ति आपके वश में हो सकता है, बिना पैसा खर्च किए हुए, बिना समय गंवाए हुए। मैं कहता हूं कि बहुत सारे तांत्रिक गुरु महाराज अगर आपके कार्य को न कर पाए हों तो आप हमारा बताया हुआ ये उपाय जरूर करिए, क्योंकि बहुत सारे तांत्रिक गुरु महाराज भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं। मैं उनको भी बोल रहा हूं कि अगर आप चाहें तो आप हमारे बताए हुए उपाय को कर सकते हैं, किसी दूसरे को बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल GHTV पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हर एक वीडियो जिस उपाय के लिए आप चाहते हो, जो समस्या है आपकी, वो हर एक समस्या के लिए वीडियो आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाए, जो कि तंत्र मंत्र टोने टोटके से आधारित होंगे। खोया हुआ व्यक्ति ना मिले, हो जाए, पता नहीं कहाँ है, तो भी आप उसे अपने वश में कर सकते हैं, उसे अपने घर बुला सकते हैं। उसका कोई पता नहीं, कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई संदेश नहीं, कहाँ है, किस दिशा में है, कहाँ चला गया, ऐसे इंसान को भी आप अपने घर बुला सकते हैं। हम आपको जो उपाय बताएंगे वो सौ में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में एक होगा। और नामुमकिन, जिसको नामुमकिन बोलते हैं, अगर हो गया हो तो भी आपका काम बन जाएगा। पति और पत्नी के बीच में हर रोज अनबन होती रहती है, वो अनबन को और दूर मत ले जाइए, बस इस उपाय को करिए। दोस्तों, सामने स्क्रीन पर आपको मैं मंत्र भी बता रहा हूं, इसे बाल के लिए प्रयोग में लाना हो तो सिद्ध कैसे करें ये भी तरीका बताएंगे। इस मंत्र को और भी जगह पर प्रयोग में लाया जा सकता है वशीकरण करने के लिए। ये एक मंत्र बहुत सारे उपाय पर काम करता है, बालों के ऊपर भी वशीकरण का ये बहुत ही तेज और तगड़ा काम करने वाला एक चमत्कारी उपाय मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, समय न बर्बाद करें और सीख लें कि कैसे आप किसी को भी अपने वश में कर लें। वश में वशीकरण करना, किसी को अपनी ओर मोहित करना बहुत आसान और बहुत कठिन भी है। कठिन तब जब आप बिना सीखे किसी उपाय को करें, और डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस इस उपाय को जैसे बताएंगे वैसे करिए। तो दिन कौन सा होगा, समय क्या होगा, ये हम पूरा तरीका आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, किसी भी बाल को जो आपके सर से बाहर निकल रहे हो, स्नान करते समय, बाल झाड़ते समय, कंघा करते समय बाल निकलते हों,
और वही बाल उसके जिसको आप अपने वश में करना चाहते हो, उसके बाल बहुत ज़रूरी हैं, तो उसके बालों के ऊपर आपको निगाह रखना होगा, नज़र रखना होगा, आँख गड़ो कर देखना होगा कि वो कब बाल झाड़ता है, कब स्नान करता है। तो जब कभी वो स्नान करे पीछे से चले जाओ और उसके बालों को मुट्ठी में बंद करो, अपने पास ले आओ। यदि वो स्नान करते समय आप न देख पाओ, न जा पाओ, तो आप जब वो कंघा करे, बाल झाड़े, उस समय आप ध्यान रखो कि वो कंघा करेगा तो उसके बाल नीचे गिरेंगे या कंघे में फंसे रह जाएंगे, तो बालों को अपनी मुट्ठी में रख लो। अब आप अपने बालों को बहुत आसानी से कंघा करके या स्नान करते समय अपने बालों को तो आप बड़े ही आसानी से अपनी मुट्ठी में ले लेंगे, तो सीधे हाथ में उसके बाल होंगे और उल्टे हाथ में आपके बाल होंगे। ध्यान से समझिएगा, ये चमत्कारी उपाय करते जाओ, देखते जाओ, करते जाओ, देखते जाओ, तुरंत समाधान पाओ। और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको हाथों को यानी बालों को, दोनों हाथों को ऐसे मलना है, ऐसे रगड़ना है जैसे आपके हाथ में कोई स्याही लग गई हो या मैल लग गया हो, उसे साफ करते हैं। ऐसे आपको अपने हाथों को रगड़ते जाना है और इस उपाय को रात 12 बजे के बाद करना है। ध्यान तो समझिए, रात को 12 बजे के बाद करना है, मगर इस मंत्र को सिद्ध करना होगा। तो बालों के लिए अगर इस मंत्र को प्रयोग में ला रहे हैं वशीकरण करने का, तो तरीका मंत्र सिद्ध करने का अलग है। तो कैसा तरीका है ये बात को ध्यान से समझिए, ये भी मैं बताऊंगा। आप वीडियो को एक बार और देखिएगा, वैसे आपका समय बहुत नहीं बर्बाद होगा, आपका प्यार भी तो आपके वश में आ रहा है, आप जिसे चाहते हो वो भी तो आपके काबू में आ रहा है, आप जिसे चाहते हो वो भी तो आपकी मुट्ठी में बंद हो जाएगा, आप जिसके ऊपर चाहते हो वो भी तो आपके काबू में आ जाएगा, वो आपके काबू में आ जाएगा, आप उस पर हावी हो जाओगे। तो इस वीडियो को ध्यान से एक बार दो बार और देखिए, समझिए जैसे बताया वैसे, वरना उल्टा और सीधा हाथ समझ नहीं पाएंगे। इस मंत्र को सिद्ध कैसे करें यह समझ लीजिए, 2100 मरतबे इस मंत्र का उच्चारण करना होगा, पानी के अंदर पैरों को लटका कर। जैसे कि कोई बाल्टी हो, खराब टप हो, उसमें अच्छा और साफ पानी भर लें। वैसे तो मटके के अंदर, मिट्टी के बर्तन में जहाँ पर नांदा होता है उसके अंदर पानी भर के आप पैरों को पानी के अंदर घुटने तक के रख लीजिए और इस मंत्र का 2100 मरतबे उच्चारण कीजिए। अब आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने के बाद अब आपको इसको अपने प्रयोग में लाना है, तो इतना करना है कि लगभग आपको 108 मरतबे हाथ रगड़ते समय इस मंत्र का उच्चारण करना है। देखिए दोस्तों, आपका प्यार कैसे आपके वश में हो जाएगा। इस उपाय को आप सोमवार, मंगलवार और शनिवार, इन तीनों वार में किसी भी दिन कर सकते हैं। रात को सोते समय करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक बात और आपसे कह दें, आपको इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आज्ञा लेनी है। बिना आज्ञा लिए हुए इस उपाय को कोई भी नहीं करेगा। आज्ञा लेने के लिए हमारे चैनल GSTV को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में माता रानी की जय जयकार करिए। आपको तब आज्ञा दी जाएगी जो लोग कमेंट करेंगे। एक और इसके ऊपर जानकारी दूंगा, और अगर उनके बाल नहीं हैं तो दूसरा वीडियो हमारा ज़रूर देखिए, आपको समाधान ज़रूर मिलेगा।